तो दोस्तों मैं आपका भाई रूपन आप सबको हमारी इसकी टीम में स्वागत करता हूँ। तो इस रूम में लगातार हमारी तीसरी वीडियो है। इससे पहले जो हमारी वीडियो देखा था वो देख सकते हैं कि कितनी डेंजरस ये रूम है, लोकेशन है। हम लोगों को बुलाया था, इस घर में कुछ है, डिस्टर्ब कर रहा था बहुत दिन से। तो आप लोगों ने इससे पहले देखा भी होगा और उस दिन हम लोग बहुत ही डरे हुए थे और हम लोग सोचा था कि इस रूम में वापस हम फिर से वीडियो नहीं बनाएंगे यार, क्योंकि बहुत ही डेंजरस माहौल बन गई थी। लेकिन उसके बाद घर मालिक यहाँ पे बोला कि कुछ करने के लिए, और हम लोग ओगड़ी जी के पास गया और उसने कुछ हम लोगों को सिस्टमेटिक बात है, कुछ पूजा करने के लिए बोला है। ऐसे हम लोगों को ओगड़ी जी ने कुछ पहले भी देता था, वो नॉर्मल सी चीज़ थी। अगर जब उनको पता चला कि इस यहाँ पे बहुत ही डेंजरस पावरफुल आत्मा है, तो हम लोग को कुछ यहाँ पे ये तंत्र मंत्र पढ़ के यहाँ पे दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो जी दिखाओ, यहाँ पे सुरसा पूरा है और यहाँ पे धन है। यहाँ पे सिंदूर वगैरह लगा के यहाँ पे कुछ तंत्र मंत्र दे के हम लोग को यहाँ पे दिया है, कुछ सिस्टमेटिक यहाँ पे दिया है हम लोगों को, हम प्रयोग करने वाले हैं अभी। तो दोस्तों आप लोगों को और एक हम एक बात, रोहित देव जी आज हम यहाँ पे जितना टाइम से है दोस्तों, आज हम यहाँ पे जितना टाइम से है आज कोई भी एक्टिविटी हम लोगों को नजर में नहीं आया। पता नहीं क्यों, शायद ऐसा भी हो सकता है कि हम कोई पूजा वगैरह कर सकते कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी यहाँ पे एक्टिविटी नजर में नहीं आया। 5-7 मिनट हो चुके हैं और हम लोग वीडियो शुरू किया और यहाँ पे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डर डर लग रहा है यहाँ पे। और हम लोग जो जो प्रयोग करने के लिए बोला है, कुछ मंत्र दिया 3-4 शब्द, वो लोग वो चीजें हम प्रयोग करेंगे। देखो जी तो समझाओ, पहले रूम की चारों ओर दिखाओ, नीचे दिखाओ, नीचे और दोस्तों एक्चुअली में हम जो चीज जो भी यहाँ पे प्रयोग कर रहा है इसको एक्चुअली में प्लांचेट भी बोल सकते हैं। कोई आत्मा का नाम लेकर अगर आह्वान करते हैं हम, बहुत सारी यूट्यूब में पहले भी आप लोग देखा हो देखे होंगे कि प्लांचेट करके कोई आत्मा को यहाँ पे बुलाते हैं। तो बातों में कितनी सच्चाई है, हम आप लोगों को लाइव दिखा रहे हैं यहाँ पे, कोई काट नहीं होगा वीडियो में। तो क्या बोलते हो देवजी, शुरू करते हैं? हाँ, डर भी लगता है थोड़ा। तो दोस्तों ऐसी चीज हम जिंदगी में कभी भी नहीं किया। पहली बार दोगी? हाँ और करो, मेरे ख्याल से मैं तो यहाँ पे कुछ मिल रहा है, देखो उस दिन की तरह आवाज तो कवर करो, तो कौन सी चीज मेरे आइडिया में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ भी मिल रहा है मेरे ख्याल से, वो कुछ नहीं होगा। देखो उस दिन जो लात का सब आवाज आया था, हाँ दोस्तों जैसे यहाँ पे हम सुई यहाँ पे घुसाया, अब क्लियर सुन सकते हैं दोस्तों, ये चीजें मिल रहा है। लेकिन उसी तरह हमने जो हिल रहा है इतने दिखाई नहीं दे रहा हिलता हुआ, आवाज आवाज जो है क्लियर।
बस थोड़ा रिलैक्स रहो। चुप हो गया। नहीं नहीं है तो दोस्तों, आप क्लियर देख सकते हैं इस मंत्र में शायद ताकत है, और ये अब्बा ही ताकत है। एक बार फिर से तना दो जी। तुम्हारे पीछे वो चीज है, वो जो ये जो है ये कर रही है ना। बारिश बाहर खेल से बारिश है। हाँ? क्या इस रूम में कोई है? क्या इस रूम में कोई है? इस रूम में जो भी है मैं आपका हाँ बंद करता हूं। अगर आप सामने नहीं आए, आपका असली चेहरा हम लोगों को नहीं दिखाया कैमरे पे या हमारे सामने, तो आपको बहुत मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल साइलेंट है ना आज? हाँ। क्या उस रूम में कोई है? आज तो एकदम साइलेंट है। अगर कोई है तो हमारे सामने आओ, वरना आपको बहुत तकलीफ होंगे। अगर आप तकलीफ नहीं चाहते, अगर आप तकलीफ नहीं चाहते तो हमारे सामने आ सकते हैं आप। और इस रूम में आप कितने दिन या कितने सालों से हैं? और आप चाहते क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं बोल रहा। क्या आप हमारे सामने हैं?
कि आप हमारे सामने आ सकते हैं यही पे। क्या आप इस चीज को हिला सकते हैं? क्या आप इस चीज को हिला सकते हैं? क्या हिला सकते हैं आप? ज्यादा आवाज सुन तो नहीं रहा, लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा, आवाज देखो तो आवाज ही आवाज है, उसी को निकालो तो फिर भी आवाज है। क्या आपके पास इतना पावर है आप इस चीज को हिला सकते हैं? हिला सकते हैं? ओह देखो आगे से ही जा रहे हैं, कोई सुई तो सुई भी नहीं घुसा है, फिर चैलेंज क्या है? इसका मतलब दोस्तों इस रूम में जो बुरी आत्मा है हमारे आसपास ही है, हमारे आसपास ही है, तो हमारे आसपास ही है, कहीं भी हो सकता है जी, कहीं भी हो सकता है ये रूम। हम लोग दोस्तों जितना भी वीडियो बनाया ऐसा डेंजरस सिचुएशन ये दो पूरे हो चुके हैं, ये कंफर्म करके है। हम लोग ओबीडी जी पहले भी बोला था इससे 100% कंफर्म करेगा क्योंकि आत्मा है कि नहीं। तो ये जो चीज है इस रूम में कोई एक आत्मा है या दूसरी आत्मा है इसको प्रयोग करने के लिए बोला है। कोई हंस रहा है, देखो हंस रहा है, अब हंस रहा है, वो भी बच्चे का आवाज लगता है, बड़ा बड़ा नहीं है मेरे ख्याल से 14-15 साल का जो आवाज होता है बच्चे का, 12-13 हाँ बच्चे का ही बहुत ही लंबी दीदी मार, देखो निकाल दो निकाल दो। बाहर बारिश गिर रहा है ना, तो इस रूम में एक आत्मा नहीं है देव जी। हाँ इस रूम में दो तीन आत्मा है हिसाब से, और भी आत्माएं है यहाँ पे, इसलिए ये रूम इतना पावरफुल है। हाँ इसलिए यहाँ का एक्टिविटी बहुत पावरफुल होता है इस रूम में। तो दोस्तों हम लोग को यहाँ पे ज्यादा प्रयोग करने के लिए नहीं बोला है, मैक्सिमम यहाँ पे आधा घंटे और मिनिमम यहाँ पे 20 मिनट्स इस तरह की हम लोगों को प्रयोग करने के लिए बोला है। लेकिन उससे पहले हम अगर कुछ ज्यादा प्रयोग किया तो हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। चलो चलो हो गया, कितना मिनट हुआ था मुझे? लगभग 12-13 मिनट। तो रुको और 6-7 मिनट देते हैं ना, ठीक है, ज्यादा देर है ना, ठीक नहीं होगा। चलो ये प्रयोग सिल बाकी है, आज ऐसे नॉर्मल कोई एक्टिविटी नहीं है। हाँ शायद इन बुरी आत्मा को भी लगता है, पता चल रहा है कि हम लोग यहाँ पे कोई डेंजरस चीज करने वाले हैं। उसी सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे आते थे आते ही बहुत ही तांडव डेंजरस हो जाते, आज प्रयोग करने से कुछ तांडव हो रहा है, वरना ऐसे बहुत ही रिलैक्स है एकदम। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो डेंजरस और क्या बोलेंगे इसको, आप जो भी समझे जिन या कुछ भी जिन भी हो सकता है, हाँ तो वो चीज़ें या बुरी आत्माएं वो हमारे सामने ही है, इस रूम में है, इस रूम में उनका निवास है। तो और एक बार देखते थे वो दिखा,
लास्ट। क्या आप इस रूम से जाने वाले हैं? क्या आप इस रूम से जाने वाले हैं? एक आवाज आई ऐसे उस ड्रम से ना, स्टील के ड्रम से। हाँ, इस बार कुछ भी प्रूव नहीं किया, सिर्फ बात बोल रहा था कि आप यहाँ से जाने वाले हैं। लगता है क्या आप इस रूम से जाने वाले हैं? उठो देखो जी, इसके अंदर से मुझे ऐसा लगा कि इसके अंदर से कुछ जवाब आया, शायद कैमरे पे आया कि नहीं मालूम नहीं है, तो आज हम लोगों को कुछ भी नहीं होगा शायद, क्योंकि हम हाँ ज्यादा वीडियो टाइम लिया भी नहीं, 30 मिनट से ज्यादा होने से कुछ हो सकते हैं। देवजीत तुम ऐसे सावधान से मेरे हाथ में कैमरा दो, हाँ मैं एक चीज दिखाने वाला हूँ। दोस्तों कैमरे में आ रहा है, इसका अंदर एक शुरूम, क्या बोलते हैं, शुरूम सा है, यहाँ से कुछ आवाज आ रहा था। इससे पहले हम दो जो वीडियो बना था बहुत ही इसके अंदर से आवाज आ रहा था, देख सकते हैं आप, शुरू से शायद इसके अंदर ही कुछ है, इसके अंदर उनका वास है लगता है मुझे ऐसा। देवजीत क्या आप इसके अंदर रहते हैं? देखो क्या आप जाने वाले हैं यहाँ से? क्या ऐसे मतलब हम लोग के ऊपर क्रोधित है ऐसे लगा? ठीक है हम भी लोग भी दिखाते हैं आप लोग। बोलो दोगी फिर से अंदर क्या ऐसा जैसे सुई उतारा हमने ये, तो हमारे जो ओपनी जो जो चीज दिया है हम लोग सक्सेस मान सकते हैं इसको। टाइम हो गया जल्दी करो, टाइम जल्दी, ये बहुत ही काटेदार है। हेलो अगर आप यहां से नहीं जाने वाले हैं तो आपको बहुत तकलीफ हो सकता है। आपको बहुत तकलीफ हो सकता है। समय पूरा है, जल्दी चलो चलो इसको रुको। क्या आप जाने वाले हैं इस रूम से? रुको और मत करो, टाइम पूरा हो गया, चलो हमारी ओगरी जी बोला था इसको ज्यादा प्रयोग करने के लिए दो बार हो चुका है, हाई स्पीड 3 बार। मुझे तो लगता है प्रयोग मत करो,
और मत करो, तीन बार भी रोया रोया इसको लेके, तीन बार किया ना। हाँ, और मत करो, चार बार। मैं ऐसा बोला था कि चार बार में फिर से भी रोया तो इस चीज से वो जाने वाला नहीं है। देखो ये आखिरी बार दोस्तों, तो इस चीज से जाने वाला नहीं है, इससे भी घातक चीज अपनाना पड़ेगा। देखो देवजीत, क्या आप जाने वाले? समय भी पूरा हो गया, तो हम जितना हो सके किया है, लेकिन हम अभी तक हार नहीं माना है। हम जितना हो सके इससे आगे भी हम पूरा करते रहेंगे। क्या बोलते हो जी, 20 मिनट हो चुके? हाँ, 20 मिनट से ज्यादा हो गया। चलो तो हम लोग यहाँ पर रहना ठीक नहीं होगा, चार बार पूरे कर चुके हम, और एक आत्मा नहीं है यहाँ पे, दो चीज आत्मा है। दोस्तों आप चलो दे रहे होंगे कितनी तालब है।